सर मेरा नाम फैंसी है, मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ एक। सर मैं पहले आप सबको धन्यवाद करती हूँ इस कोरोना की स्थिति में आप हमारे सामने आए और हमारा इंटरव्यू ले रहे हो, क्योंकि इस वजह आज कोई नहीं किसी के पास आता है। तो सर हमने ये निकले नोटिस निकले थे इसके लिए टेंडर के लिए, तो हमने टेंडर डाले 4 तारीख को निकले थे, तो 4 तारीख से लेके 11 तारीख को लास्ट डेट थी, तो हमने डाले टेंडर। सर अब वो खोलने नहीं दे रहे हैं। अब हम साहब के पास 12 तारीख को इसकी डेट थी खोलने की, तो मगर 12 तारीख को ही नहीं खुले, क्योंकि 12:30 डेट थी खुलने की, तो 10 बजे पहुंच जाते हैं सारे वो बाकी ठेकेदार पहुंच जाते हैं वहां पर, हमारे टेंडर नहीं पड़े इस वजह से ये नहीं खुले टेंडर। मगर सर वो हमारी गलती नहीं है, क्योंकि हम भी कोरोना की स्थिति में कहाँ से आए हैं, मीरपुर कोने से हम आए हैं टेंडर डालने के लिए। हमने किसी को मना तो नहीं किया घर से नहीं आओ, तो हम लेडीजों ने डाले हैं, तो ये पहले क्या करते हैं, अभी टेंडर पड़े नहीं होते हैं ये पहले ही एक्सपोज कर लेते हैं किस किसने पड़े डाले ना, क्योंकि इनको कैसे पता चला अगर 12:30 खुलने हैं 10 बजे इनको कैसे पता चल रहा है लेडीजों ने टेंडर डाले हैं, क्योंकि वहां पर लेडीजों ने ही डाले हैं सारे, तो अब ये मना कर रहे हैं। फिर हमने साहब के पास गए, मैंने बोला साहब को जनाब आप टेंडर क्यों नहीं खोल रहे हो, तो उन्होंने मुझे बोला आप लिखा के लाओ प्रेसिडेंट साहब का। सर मैं प्रेसिडेंट साहब के पास जाती हूँ तो लिखा के लाती हूँ वहां से, तो जब सर ये प्रेसिडेंट साहब का है लिखा होगा, तो जब मैं प्रेसिडेंट साहब से मार करा के लाती हूँ, तो दूसरे दिन जाती हूँ साहब के पास, वहां प्रेसिडेंट साहब भी बैठे होते हैं ऑलरेडी, साहब मुझे बोलते हैं ये प्रेसिडेंट साहब बैठे हैं, तो प्रेसिडेंट साहब बोल रहे हैं, प्रेसिडेंट साहब के सामने जब चिट्ठी रखी जाती है प्रेसिडेंट साहब बोलते हैं मुझे बाकी आ गए, वो मुझे बोल रहे हैं नहीं आप टेंडर खोलने नहीं दो, मगर सर प्रेसिडेंट साहब बोल रहे हैं नहीं खोलने दो, यही प्रेसिडेंट साहब मुझे भी चिट्ठी देते हैं लिख के अपने पैड पे, बोलते हैं नहीं टेंडर खुल जाएंगे, मगर यही प्रेसिडेंट साहब बोलते हैं नहीं टेंडर नहीं खुलेंगे, और प्रेसिडेंट साहब मेरे साथ इतनी बहस लगाते हैं, प्रेसिडेंट साहब बोलते हैं नहीं नहीं ये टेंडर नहीं खुल सकते कैसे खुलेंगे ये टेंडर, मगर सर प्रेसिडेंट साहब को खोलने टेंडर या साहब को खोलने हैं टेंडर, तो साहब को खोलने हैं, तो मगर सर ये मिली बात है, ये साहब पहले ही प्रेसिडेंट साहब को फोन करके अपने ऑफिस में बुला के रखता है, तो और मुझे सर ये धमकी देते हैं वहां पर, आपका हस्बैंड जो है वो गवर्नमेंट मुलाजिम है, आप उसकी नौकरी चाहती हो या नहीं चाहती हो, सर ये कौन सी बात है, गवर्नमेंट मुलाजिम है मेरा हस्बैंड, तो फिर उसमें क्या है, मेरे साथ तो उसको कुछ भी नहीं है, कौन कहता है, ठेकेदार कहता है नहीं, ये एक्शन साहब कहते हैं मुझे एक्शन साहब जी, आप बाई फेस कहते हैं या फोन पे, नहीं नहीं बाई फेस कहते हैं, अच्छा वहाँ पर बैठे होते हैं ये भी होते हैं वहाँ पर, क्या बोलते हैं प्रेसिडेंट साहब होते हैं टीओ साहब होते हैं उनके सामने मुझे कहते हैं। टेंडर कितने पड़े थे सर? टेंडर 4-5 पड़े होंगे, अच्छा। सर इतने टेंडर पड़े हैं, मगर सर वहाँ अभी टेंडर पड़ते नहीं है, ये पहले लीक आउट होता है वहाँ पर के जो एक्शन साहब कहते हैं लीक आउट, या जो वहाँ पर कैंप क्लर्क है वो करते हैं, तो यहाँ जो कंप्यूटर वाला लड़का है वो करता है, तो एक्शन साहब ये क्यों नहीं देखते उनके वहां पर कौन कर रहा है लीक आउट, उनको तो वो जान पहचान होना चाहिए कौन कर रहा है, हम थोड़ी जाएंगे हम लेडीज हैं, हम कहाँ कहाँ घूमे, हम भी आए बच्चे छोड़ के घरों में, अगर उनको टेंडर डालने थे उनको डाल देने थे, हमने तो नहीं उनको मना किया आप मत डालो टेंडर। आपका कहना का मतलब है कि महिला होने के नाते वो हमको हिरास करते हैं सर, सर वो मुझे धमकियां देते हैं, मुझे एक्शन साहब बोलते हैं आप जाओ ठेकेदारों के घर लिखा के लाओ, तो मैं कैसे किसी के घर जाती हूँ क्या बोलूंगी मैं ठेकेदार को, आप मुझे लिख के दो, कैसे मैं एक लेडीज कैसे जाएगी किसी जेंट्स के पास, मुझे लिख के दो, सर मुझे हिरास करते हैं वो हम सारे को, हमारे पास एक और ठेकेदार भी है उसका नाम है रेखा रानी सर, उसके उनने काम किया 2018 में, अभी तक उनको नहीं मिला कुछ, वो काम उन्होंने सारे उनके निकाले पेमेंट, वो वहाँ की वहाँ बिचारी है, अब मैंने उसको उस दिन बोला, मैंने बोला चलो डालते हैं टेंडर, हो सकता है हम लेडीज है हमको भी आगे चलना चाहे, मगर ये लोग हमको दबा के रखते हैं, जब भी टेंडर पढ़ने होते हैं ये पढ़ने नहीं देते हैं, ट्रेजरी में जाओ वहाँ उनको बोलते हैं नेट ऑफ करके रखो इनके, जब तक 4 बजे जाते हैं तब तक फिर हमारे टेंडर पढ़ते ही नहीं है, पहले से ही ऐसे होता जा रहा है। अगर इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं है टेंडर नहीं खुले तो आपका अगला कदम क्या होगा? सर अगला कदम क्या होगा? सर हमने गवर्नर साहब को भी दे दी है,
गवर्नर साहब के पास भी भेजा है हमने, गवर्नर साहब को भी बोला है, एस सी साहब के पास भी गए थे हम, ये एस सी साहब को हमने लेटर भेजे है पहले की, तो गवर्नर साहब के पास भी गए थे, गवर्नर साहब के हम यही इंसान के साथ यही है हमारे टेंडर खोला जाए सर। हम और कोई इनसे गुजारिश करते हमारे टेंडर खोलो, क्योंकि इसमें घपला तो कुछ नहीं, क्योंकि ऑनलाइन टेंडर है, हमने किसी डब्बे में तो नहीं डाले, जब डब्बे में डालते थे तब भी यही लोग खोलते थे, तो आज ऑनलाइन है, ऑनलाइन भी ये घपला कर रहे हैं, ये ई टेंडरिंग है, ये कोई चोरी तो नहीं ना, ये ऑनलाइन हो रही है। अगर इनको करना था चेंज करना था, इनको पहले करना था, 4 तारीख से 11 तारीख तक बढ़ा लेनी थी डेट, मगर अभी बोलते नहीं हम फ्रेश करेंगे, हम खुलने नहीं देंगे, ऐसे कैसे हो सकता है सर। हम चाहते हैं हमको इंसाफ मिले, और हमारा अगर ये हमको कहीं जाने नहीं देते, हमको कोटा दे दो, कोई हमको कोटा दे दो, लेडीज का 10% कोटा अलग रख लो, तो इसलिए अगर लेडीजों का 10% कोटा, हमको तो इस जमेले में पढ़ना ही नहीं चाहिए, हम कहाँ रोज फिरते रहेंगे, फिरते 4 दिन से मैं आज फिर रही हूँ, या हमको अलग कोटा दे दो आप, तो हम उसके साथ और हमारी ये गुजारिश है हमारे टेंडर खुल जाए, और हम गवर्नर साहब से ये अपील कर रहे हैं हमारे टेंडर खुल जाए, और हम इनसे क्या बोलते हैं गवर्नर साहब से और चीफ इंजीनियर से ये बोलना चाहते हैं, गवर्नर साहब से और चीफ इंजीनियर साहब से यही बोलना चाहते हैं हम, हमारे टेंडर खुल जाए, और जो घपला करते हैं, जो इसमें ये कहते हैं जिनको टेंडर खोलने होते हैं, एक्शन साहब हो या कोई भी है, इनको सारों को अटैच किया जाए, क्योंकि ये जो ये घपला ये कहते हैं वहां पर हम लड़कियां कहाँ जाएंगे उनको पैसे देने के लिए, रिश्वत देने के लिए हमने कहाँ जाना हमको, तो ये हमारे टेंडर नहीं, ये लेडीज देके हरासमेंट करते हैं हमको। आपने डिपार्टमेंट को कोई रीजन में कंप्लेंट वगैरह की थी इस मामले में? हाँ जी की है हमने, हमने की कंप्लेंट हमने की, ये काफी खड़े हैं एडवोकेट के पास भी गए हम, हमने वहाँ भी की, और एक्शन साहब मुझे बोलते हैं आपके खिलाफ, मुझे 100 बंदे यहाँ 10 बंदे आते हैं, कोई पता नहीं 5-6 बंदे वो आते हैं, वो बोलते हैं ये टेंडर मत खोलो, हमको एक्शन साहब को, अगर एक्शन साहब के पास आते हैं हम एसपी साहब से एसएसपी साहब से ये रिक्वेस्ट करते हैं, जो बंदे उसके पास जाते हैं मेरे खिलाफ तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, जो ऐसे जो अखनूर है उनको बोल के उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि अगर वो उनके पास जाते हैं हमको क्या पता कौन जाते हैं, वो एक्शन ही बोल सकता है मेरे खिलाफ कौन जा रहा है, मुझे तो नहीं पता है, अब वहां पर 100 होते हैं खड़े, अब मुझे क्या पता कौन सा मेरे खिलाफ जा रहा है, कौन सा मेरे खिलाफ प्रोपेगंडा कर रहा है, और कल अगर मेरे हस्बैंड को या मेरे बच्चों को वो कुछ हो जाए, ये मुझे धमकियां देते रहते हैं, तो उसका मतलब जिम्मेवार यही है सारे, उसका जिम्मेवार यही है, जो मुझे आज बोल रहे हैं आपका हस्बैंड नौकरी, आपको नौकरी नहीं चाहे, वो नहीं चाहे, अगर उनको कल ट्रांसफर हो गए वो आउट ऑफ स्टेशन है, हम मेरे बच्चे छोटे बच्चे लेके यहाँ हूँ, तो ये मुझे धमकियां देते हैं, मैं इसके साथ से यही गुजारिश करती हूँ।